दोस्तों इस लड़के को झील के किनारे कुछ ऐसा दिखा जिस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। दरअसल इस लड़के ने एस्टोनिया में एक झील के किनारे कुछ ऐसे निशान देखे जैसे किसी बड़ी सी चीज को घसीटकर झील में ले जाया गया हो, लेकिन उसे पता था कि इस झील में बोटिंग नहीं होती है तो ये निशान बोट के तो नहीं हो सकते। वहां ले जाने के निशान तो दिख रहे थे लेकिन वापस आने के नहीं। उस झील में एक जगह काफी दिनों से हवा के बुलबुले भी बाहर निकल रहे थे। उसने तुरंत पुलिस के पास जाकर ये बात बताई तो पुलिस ने वहां छानबीन शुरू कर दी। तब उन्हें भी लगा कि वहां जरूर कुछ तो है, इसके लिए उन्होंने क्रेन्स को बुलवा लिया और जब उस चीज का पता लगाकर उसे बाहर निकाला गया तो पता चला कि वो एक मिलिट्री टैंक था। वो टैंक काफी पुराना था क्योंकि उस पर वर्ल्ड वॉर टू की मार्किंग थी, लेकिन उसे इस झील में पाकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसकी जांच करने पर पता चला कि वो सोवियत आर्मी का टैंक था जिस पर जर्मन आर्मी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टैंक इस झील में कैसे पहुंचा। बाद में पुलिस को पता चला कि उसे छिपाने के लिए जानबूझकर उस झील में डाला गया था क्योंकि उस पर फिर से रिपेयरिंग करने के निशान भी थे। दोस्तों ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।